हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हिस्ट्रीज। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं आई मेकअप, और आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमें बेस सेट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का फ्लैट ब्रश। आज जो मैं आई मेकअप कर रही हूँ वो टू कलर आई मेकअप है, ठीक है। तो इस तरह का फ्लैट ब्रश लेके इस पर लाइट शेड का कंसीलर लीजिए और इसको अपनी आईज़ के ऊपर, यानी अपने जहाँ पे आपको मेकअप करना है उसे यहाँ से ब्लेंड कर लें। अपने ब्रश की हेल्प से अच्छे से इस पर ब्लेंड कर लें। तो जब हम ब्लेंड करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी आईज़ पे क्रीज नहीं बननी चाहिए। मीन्स टू से कि जब आप कंसीलर अप्लाई करते हो तो आपको अपनी आईज़ ओपन नहीं करनी है, और जब भी कंसीलर अप्लाई करना है एक लाइट शेड का कंसीलर ही अप्लाई करना है। ब्रश से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लें, और ब्लेंड करने के बाद लूज़ पाउडर से इसे सेट कर लें, क्योंकि अगर आप लूज़ पाउडर से सेट नहीं करोगे तो यहाँ पे क्रीज लाइंस बन जाएंगी जो कि बिल्कुल वेयर्ड लगेंगी और अच्छी नहीं लगेंगी इस वजह से। तो हमने क्या करना है, ये हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप, और आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने एक छोटा राउंड ब्रश लिया है, और अब हमने क्या करना है, अपनी आई शेडो पैलेट लेंगे। अब हम जिसमें से, अब देखिए आज का जो मेकअप है वो रेड के साथ ही होगा, रेड और गोल्डन के साथ ही होगा, जिसमें हल्के से ब्राउन मैं ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्राउन लिया है, और जिसको मैं अपने यहाँ पर क्रीज पे ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। हल्का सा ये ब्राउन में लिटिल बिट रेड है, ठीक है, रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, और इसको मैं यहाँ से ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। और सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह से यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में ब्लेंडिंग करेंगे, इस तरह से दोनों साइड। जब भी आप ब्लेंडिंग करें तो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही करें। तो मैंने रेड को दोनों साइड अप्लाई किया है। अब मुझे एक लाइट शेड लेना है, इससे लाइट ब्राउन का, और इसको मैं इसके ऊपर 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 वाले डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी। दोनों को मिक्स नहीं करना है, सेपरेट ब्लेंडिंग है, ठीक है, ऊपर की साइड, जिससे ये हल्की सी ये जो लाइन आ रही है ना ये नहीं आएगी और ये ब्लेंड भी हो जाएगा। लाइक इस तरह से, ठीक है। कॉर्नर्स के लिए भी मैं सेम ब्राउन का यूज़ करूँगी और इसे डार्क करूंगी, अंदर वाले डायरेक्शन में, आउटर वी पर, और उसको हम यहाँ पे आउटर वी पे अच्छे से इसको डार्क कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें रेड, डार्क रेड या मैरून भी मिक्स कर सकते हैं, या लिटिल बिट हमें डार्क चाहिए तो मैं डार्क के साथ काम कर रही हूँ, मुझे डार्क चाहिए तो मैं डार्क के साथ काम कर रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर देती हूँ। ये विश है कम्प्लीटली, आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, जिसको मैं क्रीज के सेंटर से लेके जाऊंगी और इसे इस तरह से ब्लेंडिंग आपके सर्कुलर फॉर्म में होनी चाहिए।
और इसको फिर से लिटल बिट रेड से कवर कर देते हैं इस तरह से। अब इसे हम करेंगे कट क्रीज, ठीक है। तो कट क्रीज करने के लिए मुझे चाहिए फ्लैट राउंड ब्रश, और इसमें मुझे चाहिए एक लाइट शेड आइवरी की, और जिसमें मैंने लूंगी और यहाँ पर कट क्रीज कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप कौन सा कलर चूज़ करते हैं, तो ये कम्प्लीटली आप पे विषय है कि आप कौन सा यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने लिटल बिट यहाँ पे गोल्डन का यूज़ करूँगी, गोल्डन शिमर का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और गोल्डन शिमर को जस्ट टैप करके मैं अप्लाई करूँगी। और दूसरे साइड भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे क्रीज कट किया और उसे गोल्डन शिमर दिया। तो हमने गोल्डन आईज़ एक तरह से ली हैं रेड के साथ, क्योंकि हमारा जो कम्बिनेशन है वो यही है। अगर आप चाहें तो आप अपनी क्रीज को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, अपना छोटा सा फ्लैट ब्रश लीजिए और इसको हल्का सा डार्क कर लें, इस तरह से इसे डार्क कर लें जहाँ जहाँ आपको इसको सेट करना है रेड से। तो ये हमारा टू कलर आई मेकअप जो है हो चुका है। अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर, जिसको हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले हम आउटर से हल्का सा विंग निकाल लेते हैं। सेम दूसरी साइड पे इस तरह से, और ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं स्ट्रेट। इस तरह अब ये जो ऊपर वाला लाइन का कॉर्नर है और इस लाइन का कॉर्नर है, इन दोनों को एक शेप में दोनों को मिला देंगे। सेम यहां भी सो फ्रेंड्स हमने आईलाइनर जो है यहाँ पे हमारा लग चुका है, अप्लाई हो चुका है, और अब हम लिटिल बिट हाईलाइट कर लेते हैं आई मेकअप को हाईलाइट करने के लिए। मैंने लिया है राउंड ब्रश जिसमें मैं वाइट हाईलाइटर ले रही हूँ और इसको अपवर्ड एक्शन में हाईलाइट कर ले, और दूसरी साइड पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं आईज के कॉर्नर्स को।
सो फ्रेंड्स, ये है हमारा टू कलर आई मेकअप, जिसमें हमने ऑलमोस्ट रेड और ज़्यादातर रेड और गोल्डन शिमर का यूज़ किया है और हल्का सा ब्लैक टच दिया है जस्ट. सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का मेकअप. सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू वीडियो देखने के लिए. और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय.